रहमान रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ, एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग कुछ इस तरीके का थंबनेल कैसे बना सकते हैं, जो कि एक यूट्यूबर का, बड़े यूट्यूबर का, लेकिन उसका नाम यार बहुत ही मुश्किल है, तो नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो चलिए कोई बात नहीं, थंबनेल आप लोग बनाइए। एंड ये थंबनेल जो है हम लोगों ने सिर्फ पिक्सल लैब और जो है ना पीएस टच से बनाया है। पिक्सल लैब से सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना टेक्स्ट क्रिएट किया है, एंड बाकी जो है ना सारा कुछ जो है ना पीएस टच से जो है ना किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर न्यू मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर से जो है पीएस टच ओपन किए, एंड यहाँ पर से जो है ना 1920x1080 का जो है ना रेजोल्यूशन आप लोग ले लीजिएगा, सही है, ब्लैक बैकग्राउंड ले लीजिएगा। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर से अपनी जो है इमेज जो है ना इंपोर्ट कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों ने जो है ना स्क्रीनशॉट ली होगी अपने गेम प्ले से। सो मैं जो है यहाँ पर ले लेता हूँ, एंड इसकी आप लोगों ने लाइक ओपेसिटी आप लोगों ने कम कर देनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद इसे जो है ना आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर देना है, लाइक इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना एक साइड पर जो है ना कैरेक्टर को रख देना है, ताकि दूसरी साइड पर जो है ना हम अपना जो है ना टेक्स्ट क्रिएट कर सकें, ठीक है। एंड अब जो है ना यहाँ पर से आ चुका है। सो अब आप लोगों ने यहाँ पर से इसके जो है ना पॉलीगन सिलेक्शन टूल लीजिएगा, एंड शो पॉइंट करिएगा, एंड यहाँ पर से इसके सेलेक्ट पिक्सल्स कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो है ना मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, एंड मैं जो है ना जल्दी जल्दी से कर लूँगा। सो शो पॉइंट लाजमी कर लीजिएगा, ताकि इससे जो है ना आप लोग जो है ना आसानी से कर सके। तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। सो यहाँ पर से जो है ना मैंने जो है ना सेलेक्ट पिक्सल्स कर लिए हैं, पिक्सल सेलेक्ट कर लिए हैं, एंड यहाँ पर से जो है ना हाइट पॉइंटर भी वगैरह हम कर देंगे। एंड यहाँ पर से जो है ना फिर से आप लोगों ने प्लस के ऊपर क्लिक करना है, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लीजिएगा, तो इसकी हमारी जो है ना अलहदा से एक जो है ना सिलेक्शन हो जाएगी लेयर की, मतलब कि अलहदा एक लेयर बन जाएगी। तो हमारी अलहदा से जो है ना लेयर बन चुके हैं। सो अब जो है ना यहाँ पर से आप लोगों ने जो है ना लाइक इससे आप लोगों ने फिल एंड स्ट्रोक कर देना होगा, एक स्ट्रोक हमने जो है ना ऐड करनी होगी। सो उससे पहले जो है ना एक उसके इसके सेलेक्ट पिक्सल्स करिएगा, एंड एम्प्टी लेयर जो है ना ले लीजिएगा। सो मेरे पास एक एम्प्टी लेयर पहले से पड़ी थी, एंड उसे मैंने ऊपर कर लिया। सो अब जो है ना यहाँ पर से आप लोगों ने स्ट्रोक जो है ना ले लेनी होगी, लाइक आप लोग 4 भी रख सकते हैं, जितनी आप लोग चाहें, सही है। सो मैंने जो है यहाँ पर से जो है स्ट्रोक ले लिया, एंड यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं स्ट्रोक आ चुके हैं हमारे पास। एंड उसके बाद रेज़र आप लोगों ने ले लेना है, एंड यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को आप लोगों ने इरेज कर देना होगा, क्योंकि हमारा जो है ना कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम लोग जो है हटाएंगे तो तब काफ़ी सारा अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है ना करेक्टर जो है ना एक किस्म का ज़बरदस्त तरीके से जो है ना शो होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों ने ग्लास इफेक्ट से दे देना होगा, एंड अमाउंट आप लोग 45 रख लीजिएगा, एंड स्केल को जो है ना लाइक 1 भी रख सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद आप लोग जो है इसे ग्लू दे दीजिएगा, ग्लू लाइक आप लोग जो भी कलर देना चाहें। सो मैं जो है ना ऐसे ही रेड ही दे दूँगा, तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ही दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि रेड दें, जो भी आप लोग इसमें जो है ना देना चाहिए आप लोग दे सकते हैं। सो मैंने जो है यहाँ पर से जो है रेड दिया, एंड यहाँ पर से आप लोग दे सकते हैं आ चुके। सो उसके बाद आप लोग डुप्लीकेट लेयर कीजिएगा, एंड इस लेयर को जो है ना आप लोगों ने कर देना होगा लीनियर डॉज करने के बाद यहाँ पर से जो है आप लोग दे सकते हैं एक चमक सी आ गया। सो उसके बाद फिर से लीनियर डॉज कीजिएगा, एंड उसके बाद गॉशियन ब्लर कर लीजिएगा। गॉशियन ब्लर आप लोग लाइक फुल भी कर सकते हैं, या जितना भी आप लोगों को अच्छा लगे उतना ही आप लोग रखिएगा। सो आप लोग इस पर जो है ना चेक वगैरह कीजिएगा, एंड देख लीजिएगा कितना अच्छा लग रहा है, सो ले लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो है ना इस तरीके से लाइक आ चुका है। सो इसको आप लोग ऐसे तजर्बे वगैरह कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्रीन कीजिएगा, लाइट कीजिएगा, ओवरले, लीनियर डॉज, ऐसे जो भी आप लोग को अच्छा लगे वैसे ही रख लीजिएगा। सो लीनियर डॉज जो है यहाँ पर से जो है मैं ऐड करूँगा, एंड इसके बाद आप लोग जो है इसे मर्ज डाउन कर दीजिएगा। सो मैंने जो है इन सबको जो है ना मर्ज डाउन कर दिया। सो कुछ इस तरीके से जो है ना आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है ना हो चुका है।
तो फिर से जो है एक डुप्लीकेट लेयर लूँगा। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद यहाँ पर से जो है ना गाशियन ब्लर ले लूँगा एंड इसकी जो है ना फिर से आप लोग एडजस्टमेंट वगैरह कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आप लोग को अच्छे लगे तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सही है, तो कुछ इतना किया मैंने एंड उसके बाद इसको फिर से लीनियर डार्ज करने के बाद इससे नीचे लाएंगे ताकि हमारे जो है ना करेक्टर के ऊपर से ना आ जाए। सही है, सो कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर से जो है ना इसके नीचे वाली मेन लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा एंड डायरेक्शनल ब्लर इससे जो है ना आप लोग दे दीजिएगा। लाइक आप लोग 50% दे सकते हैं एंड कोई भी आप लोग जितनी भी आप लोग जितना भी मर्जी हो आप लोग उतना दीजिएगा जितना आप लोग को अच्छे लगे। लाइक आप लोग 40 के अराउंड दे दीजिएगा एंड उसके बाद डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इसे ट्रांसफॉर्म कर देना है, क्योंकि हमारी जो है ना साइड से जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी चीज़ आ रही थी सो उसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, आप लोग दे सकते हैं एंड इन दोनों को जो है ना आप लोगों ने मार्च डाउन कर देना होगा। सो हमारा जो है ना कुछ इतना जो है ना हमारा टेक्स्ट सॉरी वो बन चुका है एंड उसके बाद जो है ना फिर से हम लोग जो है यहाँ पर से जो है अपना टेक्स्ट लाएंगे फोर्थ लेयर में जाकर एंड यहाँ पर जो कुछ ओवर पावर वाला मैंने टेक्स्ट बनाया हुआ था पिक्सल लैब से सो यहाँ पर मैं ले आया हूँ। सही है, एंड उसके बाद इन्हें जो है ना आप लोगों ने अलग-अलग कर लेना होगा। इसको सिलेक्ट कीजिए, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कीजिए एंड नीचे वाली लेयर में से इसको क्लियर कर दीजिएगा। सो हमारा जो क्लियर हो चुका है। सही है, एंड आप लोग देख सकते हैं एंड इसके बाद ना आप लोग इसकी एडजस्टमेंट वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिएगा। साइड पर रखिएगा, एक साइड पर हमने जो है ना करेक्टर रखा था एंड दूसरी साइड पर से जो है ना आप लोगों ने अपने जो है ना टेक्स्ट को ऐड करिएगा। सो कुछ अच्छे तरीके से आप लोग इससे जो है ना एडजस्टमेंट इसकी लाइक कर लीजिएगा। सो एक ऊपर रखा मैंने एंड एक जो है ना नीचे रखा है तो आप लोग भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सही है, तो उसके बाद इसके जो है ना मैंने सेलेक्ट पिक्सल्स करिए एंड यहाँ पर से जो है ना एक ग्रेडियंट दे दूँगा। सो आप लोग ग्रेडियंट दे दीजिएगा। सही है, तो मैंने जो है ना लाइक ये वाला जो है ना ग्रेडियंट दे दिया और यहाँ पर से जो है ना हम लोग जो है इनर ग्लू ऐड करेंगे। अगर आप लोग को इनर ग्लू जो है ना ऐड करना नहीं आती उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है सो उस वीडियो को जाकर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो एक मैंने एम्प्टी लेयर ली एंड इसको इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद यहाँ पर से जो है चले जाइएगा, आप लोग कलर फिल कर लीजिएगा अपने जो है ना टेक्स्ट में से जो भी लाइट कलर हो एंड इसको जो है ना आप लोगों ने लीनियर डॉज करना है। लीनियर डॉज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एफएक्स में जाने एंड गाशियन ब्लर में चले जाइएगा। लाइक 12 जो है ना 10 या 12 इतना रखेगा, ज़्यादा रखेंगे तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद नीचे वाली लेयर के सेलेक्ट भी सेल्फ करने हैं एंड गाशियन ब्लर वाली के जो है ना आकर एक्सट्रैक्ट भी से कर देना है। लाइक कुछ इस तरीके से जो है ना हमारा जो है ना वो बन चुके हैं, आप लोग दे सकते हैं। तो इसकी आप लोगों ने अब डुप्लीकेट लेयर कर लेनी होगी। सो मैं जो है डुप्लीकेट लेयर करता हूँ एंड नीचे वाली लेयर को एंड इन दोनों को मेल्ट डाउन कर दूंगा एंड इस लेयर को जो है ना हाइड कर दूंगा। ठीक है, सो सेम ही प्रोसेस आप लोगों ने इस पर भी करना है, पावर पे भी एंड सेलेक्ट पिक्सल्स करनी है एंड यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोगों ने ग्रेडियंट दे देना होगा एंड जो भी आप लोग जो है इसको ग्रेडियंट देना चाहे आप लोग अपना जो है ना थीम चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आप लोग इसका थीम रखना चाहें। सो मैंने यहाँ पर जो है एक गलती की है, वहाँ पर रेड की है एंड यहाँ पर जो है ना ब्लू ग्रेडियंट दिया है। सो वो यहाँ पर भी मुझे रेड देना था तो कोई नहीं, अब मैं वॉइस ओवर करूँ तब मुझे पता चल रहा है। सो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा एंड एम्प्टी लेयर ली मैंने एंड सेलेक्ट पिक्सल से पहले से ही किए हुए हैं इसके एंड यहाँ पर से इसको जो है ना मैं जो है ना इन्वर्स करूँगा एंड इन्वर्स किया एंड यहाँ पर से जो है ना जो भी आप लोग का लाइट कलर हो यहाँ पर से इससे जो है ना फिल कर देना होगा। सो मैं जो है यहाँ पर से जो है ना कलर पिक कर लेता हूँ एंड कुछ ये वाला जो है ना कलर ले लूँगा। सो आप लोग जो है ना लाइट कलर लीजिएगा जो भी आप लोग का जो है ना लाइट कलर हो। सही है, सो मैंने कलर लिया एंड इससे लीनियर डॉज कर दिया। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है ना इसको एफएक्स में जाना है गाशियन ब्लर एंड इसको भी वही 12 जो है कर देना है। सो पहले से ही वहाँ सेलेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ पर से सेलेक्ट पिक्सल इसके करने हैं एंड ऊपर वाली लेयर पर जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। सही है,
तो अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही तो इसकी टैक्स की जो है ना, मैंने एक अलहदा सी वीडियो बना रखी है, तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। सो इसमें कोई ख़ास इतनी नहीं आई क्योंकि हमारा ग्रेडिंग इतना अच्छा नहीं था। सो डुप्लीकेट इसकी करते हैं एंड एक लेयर को और इन दो लेयर्स को हम जो है मार्च डाउन करेंगे एंड इसकी एक जो है ना इनर ग्लू वाली को हम जो है इससे हाइड कर देंगे। एंड इसको जो है ना अब फिर से मैंने अनहाइड किया, विजिबल किया एंड इसको जो है ना मैं पावर को नीचे लाऊंगा लाइक आप लोग देख सकते हैं। सो इसको हम लोग जो है एक अलग सा लुक देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। जो कि साइंटेक्स है को कौन सा नेम है पता नहीं, वो जो है ना यूज़ करता रहता है, तो कुछ यही करेंगे एंड ऊपर वाली ओवर वाली को जो है शो करेंगे एंड यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके से इसे भी रख देंगे एंड जो है डन कर देंगे। तो इस ओवर वाली को नीचे लाऊंगा, टेक्स्ट वाली दोनों दोनों लेयर्स को आप लोगों ने टेक्स्ट वाली से जो है ना नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद इन दोनों को जो है ना आप लोगों ने मर्ज डाउन करना होगा। मैं जो है यहाँ पर मर्ज डाउन कर लूँगा। तो उसके पहले मैंने जो है ना इसको वो किया, ट्रांसफॉर्म किया लाइक इस तरीके से। आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो थंबनेल को आप लोग काफ़ी सारा टाइम दिया करिएगा क्योंकि ये जो है ना आप लोग की वीडियोस को वायरल करने में इसका जो है ना बड़ा काम होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर इसे एडजस्ट किया मैंने एंड ओके। उसके बाद आप लोगों ने जो है इन दोनों को जो है मर्ज डाउन करना है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर से एफएक्स में जाइएगा एंड डायरेक्शनल ब्लर में चले जाइएगा एंड यहाँ पर से जो है ना इसकी साइज़ आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा जितनी भी आप लोग रखना चाहें। सो कुछ इतना ज़्यादा भी ना रखिएगा ताकि ये ना हो कि आप लोग का जो है ना थंबनेल अच्छा ना लगे। तो इसको मैं कर लूँगा लाइक 20 20 कर लीजिएगा एंड 15 भी चेक कर लीजिएगा जितनी आप लोग को सही लगे, 10 भी कर लीजिए। तो यहाँ पर से जो है ना मैंने 10 रखी, 10 के बाद 12 रख लीजिएगा एंड ये जो है ना कुछ इस तरीके से जो है ना थंबनेल तैयार हो चुके हैं। तो उसके बाद आप लोग इससे जो है ना फोटो लेयर में जाइएगा एंड यहाँ पर से जो है ना मैं पार्टिकल्स ऐड करूँगा। तो इसका लिंक आप लोग को मैं दे दूँगा इमेज का डिस्क्रिप्शन में। तो पार्टिकल्स आप लोग के पास पहले भी अगर पड़े हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं वरना आप लोग इन्हें जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो है इसे डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पर से जो है ना करेक्टर के भी नीचे लाएंगे, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है ना स्क्रीनशॉट वाली जो इमेज हमने ली थी उसके ऊपर ही होगी उसके ऊपर एंड इसे लीनियर डॉज कर देंगे। लीनियर डॉज करने के बाद इसे जो है ना डुप्लीकेट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से कर देंगे ताकि हमारे जो है ना पार्टिकल्स और भी ज़्यादा से जो है ना आ जाएँ। तो फिर से एक बार डुप्लीकेट कीजिएगा एंड फिर से इसे जो है ना थोड़ा जूम कर लीजिएगा या इधर उधर जैसे भी आप लोग को अच्छे लगे, बट हमने जो है ना यहाँ पर जो है ना पार्टिकल्स ज़्यादा ऐड करनी है, बस हमारा जो है इतना ही काम है। तो पार्टिकल्स आप लोग जितने ज़्यादा ऐड करेंगे तो आप लोग का अच्छा लगेगा एंड उसके बाद जो है डन कर लीजिएगा एंड इसे जो है ना गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद ही होगी। सो वीडियो ये पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।